हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। I'm gonna take a call on here. अच्छा शबीर जी, क्या टॉपिक है आज का? आपने पढ़ा नहीं क्या? क्या ये कोई इंडिया का टॉपिक है क्या? बता दो एक बार, मैं बताता हूँ इनको जो बैठे हैं हिंदू यहाँ पे। शबीर क्या स्पेसिफिकली क्या टॉपिक है? आपको पता नहीं है क्या टॉपिक है? आप ऐसे ही आ गए उठा के मुंह उठा के, क्या टॉपिक है बता दे। क्या टॉपिक है? हमको पता ही नहीं है क्या टॉपिक है, हमसे बात करने आ गए। आप जो बता दें, हम जिस मौजू पे बात कर सकते हैं मैं ठीक कर दूंगा इन हिंदुओं को जो बैठे बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। साहब हिंदुओं पे बात में बोलिएगा, अभी आपके भाई साहब ने जो गले काटे हैं उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए उस बंदे ने मेरा ख्याल है कुछ किया नहीं था, जो टेलर था, तो अगर उन्होंने इसके गले काट दिए तो वो तो गलत है, तो मैं तो कहूंगा उनको सजा होनी चाहिए। ठीक है, इस मामले में तो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन वो जो नूपुर शर्मा है उसको भी सजा होनी चाहिए, हमारा तो यही ख्याल है। उससे तो गुस्ताखी की है। क्या गुस्ताखी की है? बिल्कुल की है, आपने सुना नहीं? अब मैं तो रिपीट नहीं कर रहा था ना ये बात, मैं बताती हूँ ना उसने क्या बोला, मैं रिपीट करके बताती हूँ। उसने कहा आपके उड़ने वाले घोड़े बुराक क्या थे, बुराक उड़ के नहीं गया था क्या? आपके मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उड़ के गए थे कि नहीं गए थे बुराक पे, बताइए शबीर जी। हाँ लेकिन उसने आगे से और भी बातें की है इसमें बीच में। अच्छा उसने तीन चीजें बोली है, उसने तीन चीजें बोली थी, उसने बुराक का बोला और उसने कहा कि आपके प्रॉफिट ने 6 साल की बच्ची से शादी की थी, ये भी लिखा हुआ है। और अच्छा। के फ्लैट अर्थ है वो भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? फ्लैट अर्थ। और वही बातें आपके जाकिर नायक ने बोली हैं, तो उसमें गलत क्या हो गया है मुझे ये बताइए, वही उसने बोला जो लिखा है? देखिए उसने ना बदतमीजी में बोला है। अब बदतमीजी में बोला तो आपके जो वहां मुसलमान बैठे थे साहब, वो भी तो लिंग को फाउंटेन बोल रहे थे ना, वो क्या तमीज में बोल रहे थे? वो भी तो मजाक उड़ा रहे थे। वो तो झूठा मजहब है ना, हिंदुइज्म तो झूठा मजहब है ना, इसलिए कह रहे थे ना। तो आप क्या गारंटी है ये इस्लाम सही मजहब है? इतने मजहबों के बाद आया इस्लाम, आपकी क्या गारंटी है वही सही मजहब है? क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं है सही? हमें पता है ना, हमारा ईमान है ना, इसलिए हमें पता है। आपका ईमान है ना, तो क्रिश्चियंस का ईमान है कि भाई उनका मजहब सच्चा है, हर किसी का मजहब उनके उनके ईमान के हिसाब से सच्चा है, यही बात तो समझ में आती ना कबीर जी। दूसरे लोग मान लेते हैं कि भाई आप अपना ईमान रखो, हमें अपना रखने दो, देख लेंगे एंड में पता चल जाएगा ना किसका खुदा निकलता है। ठीक है, शिवा निकलता है, भगवान निकलता है, इस्लाम जो है ना, इस्लाम बुराई से रोकता है इसलिए सच्चा मजहब है। इनके मजहब बुराई से नहीं रोकते, गंदगी फैला रहे हैं। इनके कंट्रीज देखें सारे जो नॉन मुस्लिम है, कितनी गंदगी है, बेहयाई है, इन चीजों को भी तो देखे ना। अरे ये हिंदू बैठे हैं हरामजादे, इनका मैं बंदोबस्त करता हूँ, इसको कॉल पे लेकर आओ किसी को, कुत्ते के बच्चे को मैं ठीक करता हूँ इनको, दिल्ली के बच्चे हरामजादे कुत्ते हिंदू हरामजादा मदर चौथ फैंड चौथ हिंदू। किधर चले गई है मैडम आप खुद भी? ये क्या हो गया, तो गालियां क्यों निकल रही हैं? तो मैडम आप ही देती गालियां, आप उतर ही दीरा मेरे भी। हिंदू दफा हो गए यहाँ पे, आए थे दो तीन, वापस आए तो मैं ठीक करता हूँ इनको। एक सेकंड सबर करो, क्या बोल रहे हो? मैं बिजी थी जरा, मैं सुन रही थी कि मैं यहाँ पे किससे बात कर रही थी। मैं कह रहा हूँ कि जरा मैं हिंदुओं को ठीक करता हूँ, लेकर आओ जरा मैं उनका जवाब दूँ, उनकी ऐसी की तैसी करता हूँ मैं। लोग तो तुम लोगों को ठीक करने के लिए बैठे हैं, मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने पूरी, तुम जैसे लोगों ने, सारे मुसलमानों ने नहीं, तुम जैसे लोगों ने जो अपनी शक्ल नहीं दिखाते, तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाते हो ना, अपना नाम सही लिख कर आते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत कहाँ है? हिम्मत है तो जाओ ना इंडिया, जाके करो ना कुछ। ओ मैडम हम शक्ल इसलिए दिखा रहे हैं, आप लोग हमें कत्ल करा दें। एक बंदा है उसका नाम है फौजी सीरियल, उससे मैंने बात की, वो कह रहा है मैं तुम्हें उठवा लूंगा कत्ल करा दूंगा। फौजी सीरियल एक आदमी है, शायद आप जानती होंगी, इतने गंदे बिंडे दिखाए आप लोगों ने। अलग चीज होती है कहना और करना ना, बड़ी अलग चीज होती है, समझ में आई ना? अगर करना होता ना तो अभी बहुत कुछ हो रहा होता, मगर किया नहीं है ना, इसी वजह से तुम लोग शेर बनते जा रहे हो। अभी तक किया नहीं है ना, सिर्फ फ्रांस से। मुझे एक बात बताओ, फ्रांस से की थी गुस्साखी ना, क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने फ्रांस का? देख लेंगे ना, वक्त आने पे सब देख लेंगे। तुम्हारे मस्जिदों में वहां पर आप मॉनिटर कर रहे हैं, वहां पे बुर्का बैन कर दिया है और अभी बुर्किनी भी बैन कर दी है, क्या उखाड़ लिया तुमने, क्या करा? देखिए बैन करा तो जाती है ना, आपको भी पता है
बैन करना तो जाती है अगर वो अपने आप को इतना लिबरल समझते हैं, सेकुलर समझते हैं, लोगों के साथ हो तो जाती है, तुम लोग करो बैन तो जाती नहीं है। तुम लोग अपनी कंट्रीज में किसी को राइट देते नहीं, ना माइनॉरिटी को, ना औरतों को, ना बच्चों को, हाँ वो ठीक है। दूसरी जगह जाके सीने पे सवार हो गए, कहते हो हमें राइट्स हो, अंडर ह्यूमन राइट्स ह्यूमन वायलेट कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इस्लामोफोबिया बढ़ गया है। यार ये क्या की बात हुई, मैडम हमने कोई राइट नहीं दूसरे मुल्कों में जाके मांगे, उनके कानून पहले से ही ऐसे थे, जहाँ वो कानून सही नहीं होगा हमें सही नहीं लगेगा, वहां पे जाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। उनके कानून पहले से ऐसे थे, अब उनको चाहिए कि अपने कानून के मुताबिक चलें। जब वो लोग वहाँ के सिटीजन बन चुके हैं, अब वो अपने कानून के मुताबिक चलेंगे तो ही ठीक रहेगा ना। हमने तो इनको जाके नहीं कहा कि हमारे कानून हमारे लिए बदलो, कानून चेंज होंगे अब आप लोगों के लिए। आप लोग ये जो होता है ना चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये अब आप लोगों के लिए कानून चेंज करने पड़ेंगे, इनको अपने ह्यूमन राइट वैल्यूज चेंज करने पड़ेंगे तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों के लिए होंगे सिर्फ चेंज, ठीक है। उसमें बाकी जो मुसलमान है ना, जो आप लोगों की आइडियोलॉजी फॉलो भी नहीं करते हैं, जो पीसफुल लोग हैं, वो पिसेंगे, मैं पिसूंगी, क्योंकि मेरी शक्ल पे तो नहीं दिखाना मैं मुसलमान हूँ कि नहीं। मैं तो बिकिनी पहन के चली जाऊंगी बाहर, मैं कहूंगी मैं तो हूं ही नहीं इनमें से, मैं हूं ही नहीं इनमें से, इनको आउट करो जो करना है, समझ में आई ना। तो अच्छा लगेगा ना कि आप चली जाए यहाँ से, डंडा पड़ेगा ना तुम लोगों की गांड के अंदर, तब जाके तुम पिसोगे। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी ये हिंदू जो है ना ये बहुत गंदे लोग हैं, इन्होंने 2002 में गुजरात में बहुत बंदे मारे, ये मोदी ने, ये भी वो इनका टेररिस्ट है, वो यूपी का सीएम, यूपी का जो सीएम है वो टेररिस्ट है, वो योगी, आप उसके बारे में नहीं। तुम लोग बड़े, ओ भाई साहब तुम लोग बड़े पीसफुल हो, है ना। ईरान में देखो क्या किया तुम लोगों ने, शिया सुन्नी से लड़ रहे थे, इराक में देख लो वहां पे भी अनरेस्ट है, अफगानिस्तान उठा लो वहां टेररिस्ट आपके बैठे हुए, तालिबान, उसामा बिन लादेन कौन था, हिंदुओं का था वो, पुत्र उनका था, हा? वो सीआईए का जड़ था, सीआईए ने बनाया था, अमेरिका ने बनाया। करो लश्करे तायबा, तालिबान, आईसिस, बोको हराम, ये सारे इंडियंस हैं, ये हिंदू हैं सारे के सारे। अपना गरेबान चेक करो पहले, अपना गरेबान देखो। आईसिस में जो है ना, मैं बड़े पिछली बार बताया था कि ज्यू है सारे, इसराइली फौजी जो है वो आईसिस में बैठे हुए हैं। इंग्लैंड में इन्होंने गला काटा बंदे का, ठीक है ना, हर जगह यही काट रहे हैं। अभी यहाँ पर यूएस में दो गेस को मार दिया इन लोगों ने जाकर बार के अंदर, अभी नाइजीरिया में एक औरत को मार दिया, क्रिश्चियन औरत को मार दिया, बस मारते ही जाएंगे ये, और यही चीखते रहेंगे हम मजलूम, हम मजलूम, गला काटो, हम मजलूम, गला काटो, हम मजलूम, गला काटो, ये यही हो रहा है। और जब तक वेस्ट अपने लॉज वाकई में चेंज करके इनके छितर नहीं लगाएगी ना इनके, तब तक ये ऐसे सीधे नहीं हो। और इंडिया को यही करना, देखे ये लोग आखिरकार इस्लाम में खुद ही आ जाएंगे जब ये गंदी जिंदगी गुजार के, नॉन मुस्लिम वाली जिंदगी गुजार के आएंगे भाई। ना फैमिली है, कोई फैमिली सिस्टम नहीं, आदि आबादी को अपने चुप, एक बंदे आदि आबादी को नीचे बैठो, एक बंदा जिसने 6 साल की बच्ची से शादी कर ली, ऐसे रिलीजन को कोई क्यों, सीधे दिमाग वाला बंदा क्यों फॉलो करेगा आज की 21st सेंचुरी में। हाँ वो तुम जैसे चूतिया ही करेंगे सिर्फ फॉलो। हाँ जी मैं कह रहा हूँ कि देखिए वेस्ट में तो किसी को ना माँ बाप का पता है, आधी आबादी को पता नहीं कि ए डैड कौन है या पता नहीं क्या है, शुगर डैडी बनाए हैं, यही कुछ है। तुम आयो तो ना फैमिली है, आयो वेस्ट आयो, जो लोग वहाँ पे अपने मोहल्ले से बाहर निकले हो तुम कभी, बताओ जरा। जी मोहल्ले से बाहर निकला हूँ मैं, ठीक है ये ना कहे मुझे, कहाँ गए हो, शहर से बाहर निकले हो अपने। जी शहर से बाहर भी निकला हूँ। कौन सी वेस्टर्न कंट्री में घूमे हो तुम? मैडम वक्त आने पे वेस्टर्न कंट्री में भी आ जाऊंगा, आप फिक्र ना करें, ठीक है ना, आप ये बाहम आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं, जहाँ पर इंडिया के 20,000 स्टूडेंट्स को वीजा मिलता है ना स्टूडेंट वीजा, वहीं पे 1,000 पाकिस्तानी वीजा मिलता है सिर्फ, क्योंकि आप जैसे लोग आना चाहते हैं यहाँ पर, और अब वो भी कम हो जाएगा, वो भी कम होगा, तुम देख लेना। तुम लोगों की वजह से में जो आना चाह रहे हैं यहाँ पर सही जिंदगी जीने। तो आप आपने वीजा फिर कैसे लिया था, आपने क्या दे के वीजा लिया था? भागी थी ना मेरी माँ, लिया था भाई नहीं तो आ तो फिर वीजा कैसे मिला? हमारे भी समझ में आई ना, क्या किया था ऐसा कि वीजा मिला, ऐसा क्या किया था वीजा मिला? तुम लोग गले काट रहे थे ना, असाइलम लेकर आए थे हम तो यहाँ पर, कि ये जान रहे हैं। आप तो कह रही पाकिस्तानियों को वीजा मिलता ही नहीं,
गले काटते हैं और मैं 25 साल से यहाँ रह रही हूँ, मैं आज की नहीं आई हुई यहाँ पर, ये मेरा घर है अब, समझ में आई ना, आराम से बैठो जरा, ठीक है, ये उस पे आई हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि हमारे तो गले काट रहे थे, हमें तो मारने की धमकियां मिल रही थी कि इसको मारो इन सबको, ये हमारी रिलीजन की नहीं है, इनको मार दो, इनको कोई हक नहीं है जीने का, तो इस वजह से हम यहाँ पर आए थे, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं असाइलम, जो आप लोगों की ना यही गले काटने से डर डर के बैठे हैं यहाँ पर, तो ये अपनी धमकियां ना, शबीर तू अपनी शक्ल तो दिखा यार, शक्ल तो दिखा, इतनी बातें इतनी आगे ठोकते हो यहाँ पर, हिम्मत तुम्हारे अंदर है नहीं वैसे, मैडम आप लोग दहशत गर्द लोग हैं। हैरत सुल्तान ने, आप सुने बात, ये हैरत सुल्तान ने एक बार हमें धमकी दी जी के जी मैं तुम्हें पाकिस्तान में मरवाऊंगा, कई लोगों को दे चुका है यार, वो दहशत गर्द नहीं है क्या? करो ना हैरिस की बात उससे करो ना, मुझसे क्यों कर रहे हो? वो नहीं, तुमको उसने ब्लॉक किया हुआ ना, ने ब्लॉक किया, मैं डरता है हमसे, वो डरता है हमसे, और डरता है वो, फटू है। ओ भाई तू पहले जा वीजा लगवा अपना, ठीक है, वीजा लग जाए ना तब आके बता देना हारे सुल्तान को कि तुम कौन हो, सही है ना, तुमको ना तुम्हें वीजा मिलना ना तुझको तो गधा गाड़ी नहीं लेके जाएगी कहीं पे, तुम क्या यहाँ पर आ जाते हो शबीर हमेशा अपनी पिछवाड़ा ठुकवाने के लिए। ओ मैडम आपको वीजा मिल गया ना, शायद हमें भी मिल जाए, फिक्र ना करो, ठीक है, वीजे के बगैर भी आ सकते हैं, ठीक है, परवाह करो, मेमे देखने यही आओगे और क्या होगा, यहाँ जरूर आएंगे इंशाल्लाह आएंगे, और आ भी सकते हो, इतना हल्का ना समझो, हमें हमसे नीचे के लोग भी गए हुए हैं तो आ सकते हैं, उसकी फिक्र अगर वो हमारे जाती मामले हैं, मैं ये बात करता कि वेस्ट इतना देखें और इससे सीखें, ये लोग आपके मुंह छुपा के रखते हैं क्योंकि इनके टट्टों में हिम्मत नहीं है, ये दिखा दे पीछे से वार करते हैं, आगे से कभी वार नहीं करेंगे लोगों पे, ये पिछवाड़े से वार करने वाले बुजदिल लोग हैं, ये छुप छुप के ही बैठे रहेंगे, ये शबीर जैसे अभी नए नए बच्चे पैदा हुए ये। मैडम मैं तो आपके शो की रेटिंग बढ़ा रहा हूँ खाली ऐसी बातें करके, आपके शो पे तो सारी हिंदुइज्म वाले थके हुए लोग आते, कोई देखेगा उनकी वीडियो, अभी तो मैंने तो आपके शो की रेटिंग बढ़ाई है इधर आगे, तो हमेशा आप भी थके हुए होगे फिर ना, आप तो हर दफा आते हो, हर दफा नहीं आता, टाइम नहीं मिलता, अभी आया बड़े दिनों बाद, नहीं आते हो देखते जरूर हो, ठीक है ना, क्या देखो मेरे पास थके हुए लोग आते हैं, जैसे भी लोग आते हैं, क्यों आपके मौलानाओं के पास बड़े अच्छे लोग बैठे होते हैं वहां पर, जो जी बिल्कुल वो तो बहुत अच्छे लोग बैठे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये फजूल बात है, हमने कभी कोई ऐसा केस नहीं सुना अपनी जिंदगी में जो फजूल बातें आप कर रही हैं यहाँ बैठ के, कोई नहीं सुना, कोई भी नहीं सुना, नहीं सुना जी बिल्कुल भाई, तुम कई लोगों से तुम अपनी गांड के अंदर उंगली डकाल के यूं सूंघते हो, तुमको बदबू नहीं आती, तो इसमें हमारा क्या कसूर है, वो तो रहे ना, आपकी डैडी, आप ये आपके डैडी करते होंगे, ये आपके डैडी सिखाते रहे आपको ये बातें, सूंघ आ रही तो मैं क्या करूँ इसमें, वो तो ये आपके फादर ने सिखाई है, ये आपके फादर ने सिखाई है ये बातें आपको, नहीं मेरी माँ ने सिखाया है मुझको कि तुम जैसे टट्टों के साथ ऐसी बिहेव करना चाहिए, समझ में आई ना, आपके सामने काम कर रहे थे, आप आपको उंगली करें इनके अंदर, बैम्बू डालो कैक्टस वाला इनकी गांड के अंदर, ऐसे लोगों के अंदर, तो मैं आपसे लड़ाई करने नहीं आया था, मैं हिंदुइज्म पे बात करने आया था, हिंदुइज्म पे बात करने आया था, ये हरामियों के ऊपर बात करने आया था, ये जो दो कुत्ते हिंदू घुसे हुए थे यहाँ पे, मैं क्यों करूँ हिंदुइज्म पे बात, तुम्हें बड़ा हिंदुइज्म का पता है, तुम अपने तो पढ़ लो, तुमको तो अपना ही नहीं पढ़ना, तुमने अभी कहाँ से ब्लास्फेमी की है उसने, उसने ब्लास्फेमी किया और वो अंजाम को ही पहुंच जाएगी अपने, तुम्हारी बुक में क्या लिखा है जाहिल इंसान, तुमने पढ़ी अपनी, वो हम पढ़ लेंगे, वो हम पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, तो भाई पहले वो पढ़ो, जाके पहले पढ़ो, मेरे पास सर मारने क्यों आ जाते हो, पहले आगे अपनी बुक पढ़ो, पढ़ा लिखा है नूपुर शर्मा को भी कोई ऐसे मार देगा आजकल, छोड़ो यार शबीर तुझको जो है ना कोई लड़की मुंह नहीं लगाती है, इंटरनेट हो या जो भी है, घर में माँ नहीं मुंह लगाती तुमको, तुमको आ जाते हो यहाँ पर, है चलो मालीज को गुस्सा दिलाएंगे इससे बात, एटलीस्ट मैं बात तो कर लूंगा, इतना टाइम मिल जाएगा मैं अपना हिला के फारिग कर लूंगा इसको बात कर करके, है ना, तुम यहाँ आ जाते हो हमेशा, बच्चे आपकी साइकोलॉजी मेरे को पता है, ओके आप लोग इसी में खुश होते हो, और हिंदुइज्म पे मैं क्यों बात करूं, जिस दिन हिंदू गला काटेगा उस दिन उससे बात कर लेंगे, आज हो रही है बात गला काटने पे, ठीक है, आपके भाइयों ने गला काटे और अभी भी काट रहे हैं और आप आके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी सी, इट इज अ ट्रेंड, ठीक है ना, आप ऐसी बातें करो शबीर, ऐसी बातें और करो,
ताकि मैं उनको ट्रांसलेट कर करके वेस्ट में दिखाऊं, हर गोरे को जाके दिखाऊं, ये देखो ये आ रहे हैं लोग तुम्हारी कंट्रीज में, ताकि यहाँ का राइट विंग जागे, जो सुप्रेमिस्ट वाइट सुप्रेमिस्ट जिसे कहते हो ना, वो जागे, और फिर वो दिखाए तुम लोगों को, जैसे अभी दिखाएंगे फ्रांस में, हम फ्रांस में दिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ओ भाई तुम लोगों की टट्टी तुम लोगों से निकलती है, कब्जियां तुम लोगों को हुई है, तो तुम फ्रांस में जाके कुछ करोगे, तुम्हारी अपनी टट्टी पे नहीं कंट्रोल है कि कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, यानी तुम लोग बातें बड़ी बड़ी, बस बातें करवा लो इन लोगों से, बस बातें करवा लो और कुछ नहीं है। खैर, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।